In this video, we will explain you about the undamped simple harmonic oscillations. When a simple harmonic system oscillates with a constant amplitude, which does not change with time, its oscillations are called undamped simple harmonic oscillations. अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं? जब कोई सिंपल हार्मोनिक सिस्टम ऑसिलेशन कर रहा है किससे? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से, और विच डज नॉट चेंज विद टाइम्स, इट्स ऑसिलेशन और कॉल्ड अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस. एज दैट, सपोज दैट इसका ये एम्पलीट्यूड क्या है? ए है, ठीक है. ऑसिलेशन कर रहा है, यहाँ भी ए है, इसको ऑसिलेशन भी ए है. तो मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है? ऑसिलेशंस जो वाइब्रेटिंग बॉडी कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड वो कांस्टेंट रहता है, नेवर चेंज, चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो इसमें जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी. मींस दैट जो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होगा, ई इक्वल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट, ठीक है. के इज क्या है? के क्या है? के स्प्रिंग कांस्टेंट है. एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन है. ये क्या है? एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं इसी में डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस. व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम oscillate with a decreasing amplitude with time, its oscillation are called damped simple harmonic oscillation. तो ये क्या है? damped simple harmonic oscillations में आप देख रहे हो जो amplitude है वो क्या है? decrease होता चला जा रहा है with time के, ठीक है. तो ये कैसा है? damped simple harmonic oscillations. अब हम equation की बात करते हैं. the equation for the damped simple harmonic motions के लिए जो equation है वो equation क्या होगी, ठीक है. एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल जीरो, ठीक है. ये इक्वेशन होगी द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन फॉर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है. एम क्या है? मास है. यहाँ जो बी दिख रहा है, बी क्या है एक्चुअल में? वो एक कांस्टेंट है. बी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है. बी है कांस्टेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और ये डी स्क्वायर एक्स, ये तो एसिलेशन है ही है, ठीक है. ये वेलोसिटी है, ठीक. क्या है? वेलोसिटी है. इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एसिलेशन, ठीक है, इक्वल. अगर इसे हम इधर भेजते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा ये माइनस के एक्स माइनस वी वी, ठीक है. क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स ओवर डी टी होता है, और एसिलेशन होता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, क्या करें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा डैश. तो ओमेगा डैश इक्वल फार्मूला होता है के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई इसमें, ठीक है. और अगर बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर की, तो ये इक्वल हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. ये क्या आ गया? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, ठीक है.